हेलो फ्रेंड, ये देखिए आज हमारे पास आया है सैमसंग J7 नेक्स्ट। इसमें है जो है वो प्रॉब्लम है माइक की, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम माइक लगा लिया है, उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ से यहाँ भी सप्लाई भी नहीं आ रही है, ठीक है। तब क्या करना है, कैसे माइक को चलाया जाए, क्या कुछ करना चाहिए, मैं आप इस आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए ये एक यहाँ पे जो माइक है, ये मैंने ऑलरेडी इसमें बोर्ड में लगा रखा है, ठीक है। तो इसकी सप्लाई बता देता हूँ मैं, कौन सी किसकी से कौन सी कहाँ पे लगेगा ये जम्पर, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये 3 पिन वाला जो है हमारा 3 पिन वाला माइक है। मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ, ये 3 पिन वाला माइक है हमारा। और ये देख सकते हैं, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये तो हम ग्राउंड कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो दो पॉजिटिव वाले हैं, वो एक तो यहाँ पे लगेगा, ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है इस पर, देख सकते हैं आप, ये बैटरी कनेक्टर के पास में ये जो बहुत सारे कैपेसिटर लगे रहते हैं एक जगह पे, इसमें ये फर्स्ट वाला है, इस एक यहाँ पे लगेगा और एक सेकंड वाला ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से इसमें दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाला एक यहाँ पे लगेगा वायर और एक वायर यहाँ पे लगेगा जम्पर, ठीक है। और जो ग्राउंड वाला है, हमने ग्राउंड पे दे दिया, ठीक है। इस तरह से आप माइक लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर सप्लाई नहीं मिलती है तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पे आती है, ठीक है। और हम इस माइक को यहीं पे ही सेट करते हैं, तब भी प्रॉपर बढ़िया आवाज़ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।